स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास के दिन सैनी आप सभी स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी सारे दिन से कमेंट आ रहा था, बट आप सभी का एग्ज़ाम था 6 दिसंबर को, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करी जो बुक रिव्यू की, इसलिए आपका एग्ज़ाम हो गया। आज 7 दिसंबर में हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप सभी इसे ध्यान रखें कि आपका कल एग्ज़ाम हुआ, उससे भी रिलेटेड मैं आपसे बातें डिस्कस करूँगा, तो एंड में बने रह सकते हैं इस वीडियो में। ये पीएसएन ग्रुप की बुक है, ऑल्सो यूज़फुल फॉर यू पी एस एग्ज़ाम। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्कैन नो योर बुक्स, स्कैन विद द ट्रांसपेरी एप्स, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपको 700 रुपये इसका MRP है और ये आपको 600 रुपये के आसपास मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजोन या ऑफलाइन भी। दोस्तों बात करेंगे जो इसके लेखक हैं अभिषेक मिश्रा और शुभांगी प्रिया जी, तो उनके बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। पियर्सन ग्रुप की अदर्स बुक्स भी आती हैं, ये पियर्सन ग्रुप की भाई फ्रेंड्स ये बुक्स आती हैं, रेड जी आर फर्स्ट पेपर एंड ये अदर्स एजुकेशन पोलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, इन सब का रिव्यू तो मैं नहीं कर सकता, बट इन दो बुक का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं या आप पियर्सन ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इनके अबाउट द लेखक राइटर्स, ये डेडिकेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है नहीं हो सकती है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कंटेंट वो कैसा है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें ब्रीफ की गई हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। हम जल्दी चलते हैं अबाउट द ऑथर्स के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर्स फ्रेंड्स आप जान सकते हैं ऑथर्स के बारे में, ECG NET ये आपका दिखा रखा है, जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस पेपर हुए थे उसमें जैसे कि आपको आंसर यहाँ PCD माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं और आपका एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं कराए गए। ये इस टाइप से काफ़ी सारे हैं, 4 2 शिफ्ट के हैं, 4 पेपर आपके ने पढ़ सकते हैं। और जो इसका मेन फर्स्ट चैप्टर है उस पर तुरंत हम बढ़ते हैं। ये देखो थीम एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रेंड्स ये थीम है आपकी, आप इस टाइप से देख सकते हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। ये आपकी क्रोनोलॉजिकल थीम यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, थीम एंशिएंट इंडिया प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री पैलिथिक एज आपका, ये पूरा पाषाण काल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, कि अदर बुक्स भी पढ़नी चाहिए कैसे, लास्ट में जानेंगे। जो आपका एग्ज़ाम था कल 6 दिसंबर में उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूँगा, बने रह सकते हैं इस वीडियो के अंत में। दोस्तों चैप्टर्स का फर्स्ट, तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, आपको 17 क्वेश्चन दिए हैं, जस्ट उसके नीचे आपके आंसर यहाँ प्रोवाइड करा गया। मैं से लेते हैं ये आपका मध्य पठन काल आ गया दोस्तों, आप इस चीज़ को महसूस करोगे इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ब्रीफ एज ए आपके रिविजन के लिए प्रोवाइड कराई गई है, और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा दोस्तों परेशान ना हो कि आपके लिए बुक हेल्पफुल हो सकती है या नहीं, और जो मेरा खुद का क्रिटिकल व्यू रहता है हर एक बुक के प्रति वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूंगा। ये आपका निलिथिक एज एंड द चलिथिक एज आ गया है, आप अपना आप भी पढ़ें फ्रेंड्स और मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ब्रीफली प्रोवाइड कराई गई है अभी तक, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है इसे पढ़ के आपको बताऊंगा लास्ट में और अच्छे से। द इंडस वैली सिविलाइजेशंस आप पढ़ सकते हैं इसे काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे ये मैप है द इंडियन ओशंस लोकेशन ऑफ द लोकल एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे मैप, जिस बच्चे को कुछ चीज़ें पता है वो मैप समझ पा रहा होगा, ये सेम मैप आपके उपेंद्र सिंह में दिए गए हैं। देख सकते हैं पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं लास्ट में, इस समरी तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टेप्स आपके दे रखे हैं,
और इसमें आपको जैसे कि ये इंजीनियरिंग इसकी वैदिक सेकेंड यूनिट्स आ गई है दोस्तों आपका, इसे भी जल्दी से करते हैं। मैं आपको बताऊँ इसमें जो इन्फॉर्मेशन है भाई मेरे दोस्तों, बहुत ही ब्रीफली इन्फॉर्मेशन है एज ए क्विक रिविज़न के लिए। इसमें आपको चार्ट बने हुए मिल रहे हैं, फ्लो चार्ट, जो आपको बहुत जल्दी रिविजन करने में हेल्प रहते हैं। जैसे कि आपका ये ख़त्म हो गया, फिर ये आपका सिक्स सेंचुरी। मेरे हिसाब से देखो आप इस बुक को जब सक्सेसफुल रहेगी दोस्तों, जब आप चीज़ें आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, अन्यथा नहीं तो आप इस बुक को, यदि आप सो रहे इसी बुक पढ़ के आपका नेट हो जाए कन्फर्म ही, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ये बुक आपके लिए हेल्पफुल करेगी कि कैसे कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे कैसे चीज़ें आपको, जैसे कि आपको पता ना गागर में सागर वैसी बुक नहीं है ये, आपको सिर्फ ऐसा ही काम कर रही है जैसे कि आप क्विक रिविज़न कर सकते हैं। वन लाइनर अप्रोच के साथ ये लिखी गई है, जैसे कि आपको पता है कि उपेंद्र सिंह आपको अल पढ़नी पड़ती है, किसी श्रीवास्तव, आर एस शर्मा, इसमें मिस मेनली तो पी वाई क्यू भरे पड़े हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। जैसे कि आप अजय का बुद्धिज्म पढ़ सकते हैं, स्टेप सी, अब कुछ जल्दी से हमें दिल्ली सल्तनत वाला कुछ चैप्टर देख लेते हैं गुप्तास के बारे में। आप भी कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, बस इस स्टेप से आपको इस स्टेप से जो फ्लो चार्ट बने हुए हैं ये आपके लिए समझने में हेल्पफुल कर सकते हैं, अन्यथा जो मेरा खुद का अनुभव है बिल्कुल कोई ख़ास बुक नहीं है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम आ रहे हैं ये उसके बिल्कुल परिपेक्ष में नहीं लिखी गई है, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत लिखना पड़ेगा, इसमें कंटेंट बहुत ब्रीफ करने की कोशिश की गई है आपके क्विक रिविज़न के लिए। यदि आपके सब चाहिए तैयारी हो जाती है, यदि आप रिविज़न करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें पे बैक को दे रखे और फ्लो चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश की गई है, और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत, जैसे कि कोई साइट है तो उसके बारे में बता रखा है। इस टाइप से बुक बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्विक रिविज़न में, जो मेरा खुद का अनुभव है। जैसे कि आप बॉक्सेस हैं ये आपको बनाने में बुक्स में किसी में नहीं मिलते, ये जैसे कि आप कोई ऑथेंटिक बुक या कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं उसमें इस टाइप से नहीं मिल पाता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस टाइप से। जब आप समझने की कोशिश, मुगल इंडिया है तो आप देख सकते हैं कि आपको जब आप कुछ नोट्स बनाते हैं जैसे कि इस टाइप से चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हेल्पफुल हो सकती है, अन्यथा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ के नेट भी निकाल लें। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप एक ऐसी बुक पढ़ें जिससे अपना बेस और आपका जो मेन चीज़ें हैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ें समझ में आ जाए। इस टाइप से पूरी बुक लिखी गई है दोस्तों, रिवोल्ट ऑफ 1857 आप जल्दी देख सकते हैं। जैसे कि ये बॉक्सेस हैं, बस ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, जैसे कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, अन्यथा ये कोई खास हेल्पफुल नहीं हो सकती। यदि कोई बच्चा इस पर ही डिपेंड होने की कोशिश करता है तो उसका नेट भी नहीं होगा, जो मेरा खुद का अनुभव है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यदि आप इसे नोट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, अन्यथा हेल्पफुल नहीं हो सकती। जो आपका एग्ज़ाम था कल उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मेमोरी बेस्ड थे, क्योंकि हर बार एनटी अपना पैटर्न चेंज करता है, वो एकदम जैसे कि आप लास्ट ईयर पीवाई को सॉल्व करके जाते हैं उससे उल्टा ही आप वहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप प्री हिस्ट्री का कल एक भी क्वेश्चन नहीं था, इंडस वैली एक साइड का था वो भी गलत निकला, वहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी, दो क्वेश्चन तो इस बार नेट के उसमें गलत आए, साइड से रिलेटेड थे, उसमें नाम मैचिंग थी उनमें, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो पीवाई के होते हैं वो सिर्फ आपको बताएंगे इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सेम नहीं हो सकता पैटर्न, एनटी हर साल चेंज करता है, हर साल चेंज करता है। आप जाके देखेंगे आप सोचेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ी, वैसे नहीं है। तो आप नेट के हिसाब से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट कह नहीं सकते, जैसे कि प्री हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं, इंडस वैली से एक नहीं, अशोक से एक छोटा सा क्वेश्चन था वो भी अशोक से रिलेटेड नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल हमें ऑर्डर में लगाना था। अजय समुद्र गुप्ते कोई नहीं है आपका, दिल्ली सल्तनत से भी ये क्वेश्चन एकता के बारे में था, तो आप बिल्कुल कुछ भी इंपॉर्टेंट और कोई अनइम्पॉर्टेंट नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। आपको तैयारी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको GRF चाहिए है तो नेट चाहिए, और जो भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप हिस्से नेट GRF यूनिवर्सिटी में से पर्सन बात कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार।